IPS के फाइनल इंटरव्यू में पहुंचे कैंडिडेट को इंग्लिश बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम थी। तब इंटरव्यूअर ने उनसे कहा कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती तो तुम प्रशासन कैसे संभालोगे। तो ये बंदा सोच में पड़ गया। इतने में इंटरव्यूअर ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम ये पानी पीकर जवाब दो। तब उस कैंडिडेट ने सोचते हुए कहा कि सर मैं ये पानी नहीं पी सकता। तब इंटरव्यूअर ने कहा कि पानी क्यों नहीं पी सकते। तब कैंडिडेट ने कहा कि मैं पानी इसलिए नहीं पी सकता क्योंकि ये कांच के ग्लास में है और मैं तो स्टील के ग्लास में पीता हूँ। इंटरव्यूअर को थोड़ा गुस्सा आया, उसने कहा कि इसका पानी से क्या लेना देना। इसके बाद इस बंदे ने ये जवाब दिया, सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि पानी इम्पोर्टेंट है, ग्लास नहीं। उसी तरह मेरी कार्यशक्ति इम्पोर्टेंट है, ना कि मेरी भाषा। और फाइनली इस हाजिर जवाबी के कारण उनका सिलेक्शन हो गया। और दोस्तों उस कैंडिडेट का नाम है IPS मनोज कुमार शर्मा और ये एक रियल घटना है। वैसे दोस्तों आप में से कितने लोगों का सपना IAS या फिर IPS बनने का है कमेंट में जरूर बताएं।